हे hey, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 9 से, और चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज चैप्टर नंबर 3। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन जो मेन फोकस्ड लर्निंग है फ्रॉम 9 स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वो होने वाला है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हमें समझना है करंट इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा अच्छे से समझना है। फिर हमको उसको फॉलो करके आगे हमें देखना है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, कि कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं और उनके उनके यूजेस क्या क्या है। ठीक है बच्चों, इक्विपमेंट्स इन द सेंस जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है, पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। हम रेफ्रिजरेटर और मिक्सर की बात नहीं कर रहे, हम रजिस्टर्स की बात करेंगे, एमीटर वोल्ट मीटर की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे जाके हमें समझना है ओहम्स लॉ। ठीक है बच्चों, ओहम्स लॉ समझने के कारण हमको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी समझना पड़ेगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अंदर क्या अंतर है, अगर आपको नहीं पता है तो इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हम लोग जब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी समझ लेंगे, उसको फॉलो करके आगे जाते हुए हम सीखेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है दोस्तों, कि हम जब कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे घर में कौन सा रेजिस्टेंस यूज किया जाता है, पैरेलल या फिर सीरीज में। आप सोच के कमेंट करो अगर आपको आता है तो, लेकिन मैं तो सिखाने ही वाला हूँ। उसके बाद हम कुछ डोमेस्टिक अप्लायंसेस के बारे में भी सीखेंगे, और थोड़ा बहुत शॉर्ट सर्किटिंग अर्थिंग वगैरह के बारे में भी सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको सब कुछ एक इंट्रो में बता दिया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो बोले तो पूरा का पूरा चैप्टर वन वीडियो में आ जाएगा, एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा। तो आपको 10 वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, नीचे टाइम स्टैम्प दिया होगा जहां पे लिखा होगा कि कौन सा चैप्टर का पार्ट कितने मिनट और कितने सेकंड पे कवर किया गया है, तो आप उसका पूरा इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार में मत देखिए, दो तीन बार करके देखिए, पार्ट पार्ट में देखिए, चलेगा बच्चों। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस भी लगा दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, देखो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये चैप्टर आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ये भी हमें जानना है। तो बच्चों, बिना किसी टाइम पास के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी इस वाले पार्ट में कुछ चीज़ें लिखी है, ऑल अराउंड अस। ठीक है, मतलब हमारे आसपास हर जगह आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का नेसेसरी जरूरत तो पड़ता ही है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये लाइट के प्रेजेंस में ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा जो लैपटॉप है, मेरा जो ये डिजिटल पेन है, और जो भी पेन टैबलेट है, ये जो माउस चल रहा है बच्चों, ठीक है, एवरीथिंग इज रनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सभी चीज़ें इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखा, इलेक्ट्रिसिटी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आजकल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वी में डिपेंड ऑन इट्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड तो है ही किसी न किसी तरीके से। इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस फेस ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, हॉस्पिटल, बैंक्स एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैव अल्टरनेटिव अरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ जनरेटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक मोटर एंड सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंट इन यूज इन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बता रहा है कि कभी कभी क्या होता है बच्चों, अचानक से लाइट चली जाती है हमारे घर की, राइट, या फिर हॉस्पिटल वगैरह जहाँ पे लाइट की कंटिन्यूस जरूरत है, वहाँ पे पावर सप्लाई बंद होने के कारण कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए अल्टरनेटिव रखा जाता है पावर सप्लाई का, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन्वर्टर्स, बैटरीज, ये सब क्या है, एक अल्टरनेटिव है जिसमें हम लोग पावर को स्टोर करके रखते हैं और उसको जब लाइट की सप्लाई नहीं होती उस टाइम में इमरजेंसी में यूज करता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े फर्नेस, ठीक है, बड़े बड़े मशीन्स चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, जैसा कि ये सब तो आपको पता ही होगा। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन है जो मैं अच्छे से समझा रहा हूं आपको। ठीक है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक फ्रिज, इलेक्ट्रिक ओवन, मिक्सर, फैंस, वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर एक्सेट्रा,
हेल्प्ड अस बाय मेकिंग टाइम एंड सेविंग टाइम एंड लेबर, ऑल दिस डिवाइसेस कैन नॉट रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर हो सकता है, ओवन हो सकता है, हीटर हो सकता है, आयरन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, दोस्तों ये सब क्या होता है, हमारे लेबर को कम कर देता है, हमारे काम को आसान कर देता है, राइट। और ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है। अभी देखो आगे क्या लिखा है, नॉट ओनली ह्यूमन बींग बट सम एनिमल्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी। कुछ एनिमल्स भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते, खाली इंसान ही नहीं। जैसे एक मछली होती है फिशेस, सच एज ईल्स, ईल्स ईल्स नाम की एक फिश है, ये याद रखना, EELS ईल्स, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, ठीक है। यूज इलेक्ट्रिसिटी टू कैच देयर प्रे एंड ऑल्सो फॉर सेल्फ डिफेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है अपने प्रे को कैच करने के लिए, प्रे मतलब अपने शिकार को कैच करने के लिए, और ये इनका सेल्फ डिफेंस में भी काम आता है, अपनी खुद की रक्षा करने में भी इनकी मदद करता है बच्चों। द लाइटनिंग दैट स्ट्राइक्स द अर्थ इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है ना बच्चों, वो एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, बिजली बोलते हैं ना उसको। वॉट इफ वी कुड कलेक्ट एंड स्टोर दिस इलेक्ट्रिसिटी, क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रख सकते हैं? तो चलिए देखते हैं आगे। अभी यहाँ पे कुछ चीजें पूछ रहा है, कैन यू रिकॉल, क्या बोल रहा है ये, क्या आप इसे याद कर पा रहे हो? तो क्वेश्चन क्या बोला, यू मस्ट हैव सीन वाटरफॉल, वाई डज द वाटर फ्लो, विच वे डज द वाटर फ्लो। कभी आपने वाटरफॉल देखा है? और अगर आपने देखा है तो वाटर किस तरफ फ्लो होता है? देखो मेरे इशारे को समझो, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है, ठीक है बच्चों। तो यही चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है, ये वाला पहला जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उससे पहले कुछ लिखा है, जरा देख लेते हैं उसे। फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज रिलीज फ्रॉम अ डैम एट अ हायर लेवल, कहाँ से, ऊपर से, हायर लेवल से, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, वाटर को हायर लेवल से रिलीज किया जाता है एक डैम में, और ग्रेविटी के कारण इट फॉल्स टू द लोअर लेवल, वो नीचे की तरफ आ जाता है बच्चों, ठीक है। दस वी नो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ टू पॉइंट्स। तो जो वाटर फ्लो है वो उसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? दो पॉइंट के लेवल के बीच में, दो पॉइंट के लेवल के बीच में, ऊपर से नीचे। आर यू गेटिंग इट? तो इसी तरीके से बच्चों पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा ये एक वाला एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया एक्सपेरिमेंट में। ये लैब असिस्टेंट वाले भैया बोल रहे हैं ट्राई दिस, ये ट्राई करने के लिए कह रहा है, और ये बोल रहे हैं कि ऐसे दो बॉटल ले लो, गैलन ले लो, उसमें ऐसा होल कर दो और एक क्लैंप लगा के रखो, एक को ऊपर रखो एक को नीचे रखो, ठीक है। एक को ऊपर रखा है एक को नीचे रखा है बच्चों, और जब हम लोग एक क्लैंप हटा देंगे तो ऊपर वाले से नीचे वाले की तरफ पानी फ्लो होगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। ऊपर वाले से नीचे वाले तक फ्लो होगा, जब तक दोनों बराबरी पे नहीं आ जाएंगे, ठीक है, तब तक पानी फ्लो होते रहेगा, उसके बाद रुक जाएगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसी तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिसिटी भी इसी तरीके से फ्लो होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब बच्चों स्टोर करके रखने की ताकत, या फिर ताकत होता है पोटेंशियल का मतलब, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ, हाई से लो की तरफ हमेशा फ्लो होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो तो यहाँ पे बोल रहे, क्या बोल रहा है, जस्ट लाइक वाटर, जैसे कि पानी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल। तो एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल पे डिपेंड करता है दो पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, एंड दोज पॉइंट दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसी पॉइंट्स को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। मान लो कि ये एक वायर है, इसका ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जहाँ पे भी हम नापेंगे तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, वहाँ की एक ताकत होगी, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो अंतर होगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, ठीक है। तो पोटेंशियल मतलब क्या, किसी एक पॉइंट पे कितनी ताकत है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का अंतर पोटेंशियल का। तो चलो देखते हैं अभी आगे क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम, देखो अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो आपने 8वीं में तो पढ़ा ही होगा कि एक एटम होता है इस तरीके से, एटम के बाहर ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, आपने 8वीं में पढ़ा है, राइट, याद आ रहा है, इनसाइड द एटम फिफ्थ चैप्टर, ठीक है बच्चों। तो उसमें ये इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग काफी कुछ समझने वाले हैं, पहले ये पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला फंडा समझ लेते हैं। तो देखो अ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। वी हैव सीन अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ये जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, इनके कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करता है बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, लोअर से हायर की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन करंट उस तरीके से फ्लो नहीं करता है, ठीक है,
देखो, अ लाइटनिंग स्ट्राइक इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द क्लाउड्स टू द पॉइंट हायर फ्रॉम हायर जीरो पोटेंशियल ऑन द अर्थ. तो ये क्या बोल रहा है, निगेटिव पोटेंशियल लोअर, ठीक है, पोटेंशियल ऑन द क्लाउड्स टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल जीरो. अभी निगेटिव, अच्छा बताओ माइनस वन बड़ा है कि जीरो बड़ा है? ऑफ कोर्स जीरो बड़ा है ना बच्चों, माइनस वन तो निगेटिव में जा रहा है, तो ऊपर निगेटिव है और नीचे जीरो है, तो वहां से यहां तक मतलब क्या हो रहा है, हायर टू लोअर फ्लो कर रहा है, ठीक है. वी शैल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ हायर स्टैंडर्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हम लोग 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम. तो दो पॉइंट के बीच में जो अंतर होगा, जैसे देखो एक पॉइंट ए बताया यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट बी बता रहा, इनके बीच में जो अंतर है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस. तो मैं आपको एक सिंपल सा शब्द में बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बोला किसी भी एक पॉइंट पे उसकी ताकत कितनी है इलेक्ट्रिसिटी की, उसका वोल्टेज कितना है. और पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछे तो दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. देखो यहाँ पे वही लिखा है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, कंडक्टिंग वायर लगाया, ठीक है, फ्लो होगा, ठीक है. अभी आगे बढ़ो, देखो इन फिगर 3.2 कंडक्टर ए इज एट हायर पोटेंशियल, आप देख पा रहे हो, ठीक है, देन द कंडक्टर बी, कंडक्टर बी लोअर पोटेंशियल पे है. दिस टू आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन देम द टू एंड इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए. और क्या बोल रहा है कि बी से ए की तरफ फ्लो होगा. अब क्यों बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, लाइक चार्जेस रिपील इच अदर, और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव. तो ये बहुत सिंपल सा था, मैंने आपको समझा दिया, मैं रेड कलर से लिख देता हूँ कि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है. फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपील करेगा क्योंकि लाइक चार्जेस रिपील इच अदर, और ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है बच्चों. तो ए थ्रू द वायर, दिस will continue until the two conductors A and D have the same potential. और कब तक फ्लो होते रहेगा, जब तक दोनों पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, जैसे कि वो बॉटल वाले एग्जाम्पल में हमने ऊपर देखा था, ठीक है. ओनली देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप, और तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकता है जब दोनों जरा बराबर हो जाता. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है बच्चों, ठीक है. वर्क हैज टू बी डन, वर्क काम तो होगा ही क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल. तो एक लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेके जाने के लिए, देखो मैं बार बार, आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें कि लोअर से हायर बोल रहा, फ्लो हमेशा हायर से लोअर होगा, लेकिन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मतलब निगेटिव, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है बच्चों, ये लोअर. अभी आगे चल के आपका डाउट क्लियर होगा, नेगेटिव इज लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव इज हायर पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां क्यों जा रहा है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर. तो यहां से वहां ले जाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा, कुछ तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो वो फोर्स कहां से आएगा, डायरेक्टली तो इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाएगा, उसके कुछ तो पुश देना पड़ेगा ना बच्चों. तो उसी के बारे में हमें देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल. तो यहां पे हमारा ये पॉइंट आता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल वाला. तो देखो क्या लिखा है, द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड द निगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल. तो एक सेल, आप पता है आपको, एक बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है. तो उस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल बच्चों, ठीक है. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द सेल. और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि उस सेल के अंदर में जो केमिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन के कारण कुछ चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वही जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में आता है वो जो रिएक्शन के कारण, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. The potential difference sets the electron into motion and result in flow of electricity through the conducting wire connected to the two ends of the cell. और यही potential difference ना बच्चों, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको मोशन में ला देता है, ठीक है. ये पोटेंशियल डिफरेंस उसमें मोशन में ला देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और हमें चार्ज मिलता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है और हमें करंट मिलता है बच्चों, ठीक है. द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट. मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, मतलब पॉइंट ये ए है मान लो और ये बी है, तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो चार्ज चाहिए, जो चार्ज को मूव करने के लिए जो ताकत चाहिए, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बोलते हैं, ठीक है बच्चों. तो अगला क्या है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट कैसे करेंगे. तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके गया, तो फोर्स अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण केमिकल रिएक्शन हुआ, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है. तो यहां से यहां ले गया मतलब क्या, वो वर्क डन हुआ, मूवमेंट भी हुआ, फोर्स भी अप्लाई किया. तो आपने पिछले चैप्टर में देखा था फोर्स, वर्क डन क्या देखा था आप लोगों, मैं यहां पे बताता हूं वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते थे आप, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पे फोर्स अप्लाई करने का
काम किसने किया? वोल्टेज ने किया, ठीक है बच्चों। और डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का हुआ, मतलब कि चार्ज का हुआ, समझ रहे हो। फोर्स किसने अप्लाई किया? वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है इतना समझ लो अभी। और डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ? चार्ज का हुआ, इलेक्ट्रॉन का हुआ। तो इलेक्ट्रॉन क्या? एक चार्ज है, कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, तो ये डब्ल्यू आ गया। तो इसी चीज को अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे वी का वैल्यू बताओ, तो तुम क्या करोगे? वी को इधर रहने दोगे और ये डब्ल्यू के नीचे मल्टीप्लाई है, इसको क्यू पे लेके जाओगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना, ठीक है बच्चों। तो देखो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला बना, वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर, तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मैंने आपको समझा दिया, एक बार वापस समझा देता हूं बच्चों। यहां पे समझो कि क्या बोल रहा हूं मैं, कि वर्क डन मतलब क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किसने किया? वोल्टेज ने किया, पोटेंशियल डिफरेंस ने किया। डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ? चार्ज का हुआ, इलेक्ट्रॉन का हुआ। तो W अगर अपने को आप V का वैल्यू चाहिए, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाला ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और कैसे आया मैंने आपको समझा दिया है। तो चलो बच्चों यहाँ पे वन वन सबके आगे लिख दिया, वन यहाँ पे लिख दिया, वन वोल्टेज मतलब एक वोल्ट मतलब कितना होगा कि वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वेन वन कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड। और यहाँ पे बता रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है SI सिस्टम में? वोल्ट होता है बच्चों, जो कि मैंने आपको बताया वी फॉर वोल्ट, वोल्टेज VOLT वोल्ट। और इसका नाम किसके ऊपर दिया है? तो ये जो एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर, शायद हाँ अलेक्जेंडर वोल्टा ना, यस अलेक्जेंडर वोल्टा। थोड़ा सा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना बच्चों इसके लिए, ओके तो एक सेकेंड बच्चों थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ पेपर को, कि आपको सभी चीज़ें दिखनी चाहिए क्लियरली। ओके एक सेकेंड बच्चों, ओके बच्चों तो अब मेरे को उम्मीद है कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा। तो ये जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने पहला एक बल्ब, एक सेल बनाया था, बेसिकली बल्ब नहीं बनाया था, ठीक है। तो अलेक्जेंडरो वोल्टा नाम था इनका, तो इनके ही ऑनर में पोटेंशियल डिफरेंस को नेम यूनिट दिया गया है वोल्ट, इनके ऑनर में बच्चों। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अब यहाँ अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे बात हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है बच्चों। तो वो भी हम समझेंगे, और फिर ये देखने वाले हम लोग करंट। तो आपका जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा लोअर टू हायर, हायर टू लोअर वाला, करंट के मामले में हमेशा फ्लो तो हायर टू लोअर होता है, ठीक है बच्चों, हायर टू लोअर। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे यार, ये तो निगेटिव को शुभम सर बता रहे हैं लोअर, और पॉजिटिव को बता रहे हैं हायर। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है, वो तो इधर डायरेक्शन क्या दिखा रहे हैं यार, लोअर टू हायर। लेकिन करंट का डायरेक्शन देखो ना बच्चों, क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट क्या बताया? पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब हायर टू लोअर बताया है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं ये सब हायर लोअर, लोअर हायर सब समझेंगे हम लोग, ठीक है। और ये वाला मैं डायरेक्टली आपको ये सब पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, तो ये भी मैं आपको साथ में बता दूंगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखे, डू यू नो कि इस वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्सप्रेस इन फॉलोइंग यूनिट। बहुत ही छोटा अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, वोल्टेज, उसको अगर रिप्रेजेंट करना है, तो मिली वोल्ट को हम लोग 10^-3 लेते हैं, माइक्रो वोल्ट को हम लोग 10^-6 लेते हैं, -6 लेते हैं। अगर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हो, तो हम उसको किलो में लेते हैं, और एक को मेगा में लेते हैं। तो किलो वोल्ट को 10^3 और मेगा को हम लोग लेते हैं 10^6। तो निगेटिव और पॉजिटिव का बस अंतर है माइक्रो और मेगा, ठीक है। यहाँ पे मिनी और वहाँ पे किलो, ठीक है बच्चों, सिंपल सा याद रखना ये। अभी देखो, अभी हम लोग ये वाला चीज़ समझेंगे, तो मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको रीड करके समझाता हूँ अच्छे से, और फिर ये वाला पार्ट मैं डायरेक्टली समझाऊंगा आपको, ठीक है। एवरी एटम ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर हैज़ वन और मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बताऊंगा मैं, याद रखो अभी। विच आर वेरी वीकली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस, दिस आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करके कुछ समझना हमें, ठीक है। एज शोन इन फिगर 3.3, ये जो फिगर दिख रहा है नीचे आप, द इलेक्ट्रॉन कैन इजली मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर टू इट्स अदर पार्ट, द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो गेट ट्रांसफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मोशन, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कैरीज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो फिगर है 3.4, इसको हमें अच्छे से, अच्छा यहाँ पे 3.3 में देखना था अपने को, ठीक है। तो ये देखो अभी यहाँ पे समझो, ठीक है, ये न्यूक्लियस है बच्चों, ठीक है, और आस पास में ऑर्बिट्स है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है बच्चों, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो लास्ट के सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको जैसा कि पता होगा कि एक एटम इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, राइट, एक एटम इस तरीके से होता है, ये न्यूक्लियस है सपोज करो, ये पहला ऑर्बिट, ये मान लो दो ऑर्बिट वाला एटम है, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूजली बाउंडेड होंगे, मतलब इतनी अच्छे तरीके से वो जुड़े नहीं होंगे न्यूक्लियस से, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, लूजली बाउंडेड होंगे, ठीक है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन जो ये फ्री में घूमते रहते हैं, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है।
तो ये वीकली अटैच टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक एटम से दूसरे एटम, तीसरे एटम से ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर ये यहाँ से यहाँ आ रहा है। समझ रहे हो ना डायग्राम का मतलब? तो ये इधर इधर करते रहते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों? तो अभी देखो यहाँ तक आपने समझ लिया है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें निगेटिव चार्ज होता है। क्यों निगेटिव चार्ज होता है बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी चलो आगे का पार्ट मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों अभी हम लोग समझते हैं, मान लो कि ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया हमने, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, जो निगेटिवली चार्ज होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, वो रैंडम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अब इसी, मान लो कि यही एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में मैं क्या करता हूँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेंस ये पॉजिटिव साइड और ये निगेटिव साइड में बैटरी लगा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से, मान लो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज है, ठीक है बच्चों, तो ये निगेटिव है, ये टर्मिनल निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या कर देगा, एक दूसरे को रिपेल कर देगा बच्चों, क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो ये निगेटिव से और ये अट्रैक्ट किधर होंगे, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर हम बोलेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सिंपल सा जुगाड़ याद रखना, निगेटिव है इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव साइड से निकल रहा है और ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है, लोअर टू हायर, ओके। अभी हम बात कर लेते हैं करंट का फ्लो। तो करंट जो होता है बच्चों, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, करंट पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, मतलब आप बोलोगे उल्टा, तो जी हाँ, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा करंट जाता है कन्वेंशनल फ्लो। तो करंट की अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे, तो करंट कहां से जा रहा है बच्चों, पॉजिटिव टू निगेटिव, बस इतना याद रखना और तो कुछ भी नहीं। तो पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, हायर पोटेंशियल, ठीक है, तो हायर टू लोअर, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अगला पॉइंट भी मैं आपको समझा देता हूं, जो अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, वो है करंट, ठीक है बच्चों। तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट को हम लोग लिखते हैं सिंबल आई से, किससे लिखते हैं, आई से। तो करंट क्यों हो रहा है, चार्जेस के कारण, चार्ज को हम लोग लिखते हैं क्यू से, क्यू, अच्छा मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, चार्ज, ठीक है, मूव क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज मतलब क्यू से हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कि कैसे हो रहा है, समय के साथ हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो समय के साथ हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो नीचे हम लोग लिखेंगे टाइम, क्या लिखेंगे नीचे हम लोग, टाइम, तो टाइम को हम लोग लिखते हैं टी से। तो अब करंट का मतलब क्या हो गया, चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, तो करंट का डेफिनेशन क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मैं यहां पर लिख देता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों, किसमें, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और एक चीज और, टू बी मोर स्पेसिफिक, किससे, थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर से इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग SI यूनिट की बात कर लेते हैं, तो हमें ये समझ में आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अभी Q बड़ा भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी करंट का SI यूनिट की अगर हम बात करें, तो करंट का SI यूनिट है एम्पियर, क्या है, एम्पियर, ओके बच्चों। चार्ज के SI यूनिट की बात करें तो इसका है कूलम्ब, ठीक है, और टाइम की बात करें तो सेकेंड, ये तो आपको पता ही होगा। तो 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पीयर करंट कब ट्रांसफर हम बोल सकते हैं, जब 1 एम्पीयर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज एज ट्रैवल्ड थ्रू अ यूनिट कंडक्टर इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 1 एम्पीयर चार्ज। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमने यही करंट, ये वाला ऊपर वाला हमने देखा था, ठीक है बच्चों, ये वाला रैंडम डायरेक्शन में है, देखो यहां पे आप, ठीक है, यहाँ पे कैसे है, रैंडम डायरेक्शन में, यहाँ पे जब लगाया तो पॉजिटिव की तरफ ये जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर है, देखो आपको दिखाया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट वाला भी पार्ट देखा हमने
आगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट वाले में यही सब लिखा है, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम तो आई इज क्यू अपॉन टाइम, 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब 1 एम्पियर का 1 कूलम ऑफ चार्जेस ट्रांसफर्ड इनटू 1 सेकेंड इन एवरी सेकेंड, तो इसको 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। अभी आगे बढ़ते बच्चों, जैसे हम लोग वोल्टेज में देखे थे उसी तरीके से स्मॉल करंट को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मिली, और उससे भी छोटा रहेगा तो माइक्रो, और सेम 10^-3 और 10^-6 एम्पियर इनको ऑनर करने के लिए दिया गया था इन साइंटिस्ट के नाम को, इन्होंने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। अब एक सिंपल सा छोटा सा सॉल्व एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। तो एग्जांपल को अगर आप देखोगे तो बोल रहा है करंट 0.4 एम्पियर पास हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में, ठीक है। तो ये एक एसआई यूनिट है और मिनट एसआई यूनिट में नहीं है, ठीक है, तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि कितना, हाउ मच चार्ज उल्ड बी पास, कितना चार्ज पास हो रहा है। तो आई ये है, टाइम को 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करके, तो 300 सेकंड। अभी हमको पता है फॉर्मूला कहता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो इसमें हमको क्यू का वैल्यू चाहिए, तो क्यू क्या हो जाएगा, आई टी, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया है, फॉर्मूला देखो, आई टी लिया है क्यू को एडजस्ट करके, तो यहाँ पे 0.4 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 300 सेकेंड, 120 कूलम चार्ज ये ट्रांसफर हो रहा है उस कंडक्टर से। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल, इसीलिए मैं ज्यादा एग्जांपल पे ध्यान नहीं देता ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल पे, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब स्मार्ट हो और आप सब इतने छोटे मोटी चीजें तो कर ही लेते हो। बच्चों अगला आता है रेजिस्टेंस एंड ओहम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो ओहम्स लॉ से निकलता है बेसिकली, तो हम लोग ओहम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस वाला पार्ट अब देखने वाले हैं। तो अभी देखो, अभी हमने दो चीजें समझी, क्या समझी, कि एक तो भैया करंट होता है, ठीक है, और एक होता है भैया वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या भैया, तो जी हाँ बिल्कुल है। और वो रिलेशन क्या है बच्चों, वो रिलेशन है ओहम्स लॉ ने वो रिलेशन बताया है। तो ये कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, आई करंट जो फ्लो हो रहा है एक वायर से, आई से करंट होता है, राइट, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम द लॉ दैट गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सिमोन 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 ओहम, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ द फिजिकल, ये है लॉ, ठीक है बच्चों, ये वाला है लॉ, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फिजिकल स्टेट मतलब टेम्परेचर, उसका हाइट वगैरह, वो कंडक्टर का, ठीक है, आसपास का टेम्परेचर वगैरह, ये सब अगर प्रेशर वगैरह सब कॉन्स्टेंट रहता है, तो करंट आई जो उसमें से फ्लो हो रहा है थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट, ठीक है। मतलब कि जितना भी सिंपल सा बात है ना, जितना वोल्टेज दोगे, जितना अच्छा बैटरी, जितना पावरफुल बैटरी, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो यही लॉ था, क्या बोला, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यही हुआ ना। तो देखो क्या है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बहुत सिंपल है, देखो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा वोल्टेज, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। तो देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, तो यहाँ पे के डाला, अभी आई ये के को इधर ले लिया, ठीक है। अभी सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, इतना मत ध्यान दो, क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। तो अभी हमको ये हटाना है, इक्वल टू डालेंगे, तो हम लोग एक ए आर डाल देंगे कांस्टेंट के लिए, और यहाँ पे आई लिख देंगे। तो इसको याद रखने का तरीका, वी आर इंडियन, ऐसे याद रखना, वी आर इंडियन ओहम्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे जो आर है इसको क्या बोला इन लोगों ने, रेजिस्टेंस बोला, क्या बोला बच्चों, इसी को रेजिस्टेंस बोला, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे, आर को उधर ही रहने दो, वी के नीचे आई ले लो, तो वी अपॉन आई। तो वोल्टेज का यूनिट क्या था बच्चों, वोल्टेज का यूनिट तो वी था, वोल्ट ही था, ठीक है, वोल्ट था, और करंट का क्या था, एम्पियर, तो ये भी हो गया, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो इसी को हम लोग लिखते हैं ओहम, क्या लिखते हैं बच्चों, इसका एसआई यूनिट, क्या एसआई यूनिट, इसको ओहम लिखते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर मतलब क्या होता है, ओहम, और इसका साइन ये होता है ओमेगा, ठीक है, ये वाला, ये देखो यहाँ पे ओमेगा। तो यही सब यहाँ पे लिखा है, तो देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, देखो एक बार बता देता हूँ मैं आपको, देखो वही लिखा है, ठीक है, वी, अरे यार क्या कर दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पे आप वही देख सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर लिखा है, ठीक है, वी आर इंडियन जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे R कांस्टेंट आया, R का अगर वैल्यू निकालोगे तो V अपॉन आई आएगा, मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसी को क्या बोलते हैं फिर, ओहम बोलते हैं, ओहम। तो 1 ओहम मतलब कितना होगा, कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, देन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज, देन इट इज 1 ओहम ऑफ रेजिस्टेंस विल बी अप्लाइड। तो यहाँ पे वही सब चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, काफी सिंपल सा था बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पता है फिजिकल स्टेट से क्या बोलना चाह रहे हैं लोग, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है, कि वायर का हाइट या फिर उसका क्रॉस सेक्शन, मतलब वायर कितना मोटा है, कितना पतला है एंड ऑल, ठीक है बच्चों। अगला जो हमारा टॉपिक है ना बच्चों, वो ये वाला है, ठीक
ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, तो एक कंडक्टर के अंदर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो बच्चों अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, सिंपल सार, अभी तक मैंने आपको रेजिस्टेंस का मतलब नहीं बताया, ठीक है, तो मैं अभी रेजिस्टेंस का मतलब आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको ये समझने में आसानी होगी थोड़ी। तो गिव मी 1 मिनट, ये मिटा रहा हूं मैं, 1 मिनट तो नहीं, काफी कम ही समय चाहिए। तो बच्चों सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि देखो रेजिस्टेंस मतलब होता है कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब होता है अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, टू फ्लो ऑफ करंट मतलब करंट के फ्लो को जो रोकेगा उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या, ऑपोजिशन टुवर्ड द फ्लो ऑफ करंट। जैसे आप एक हाईवे पे इमेजिन करो, आप स्पीड में बाइक भगा रहे हो, तो आपको रुकावट क्या है, ब्रेकर, खड्डे, तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया। सिंपल सा एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो, तो अभी हमको समझ में आ गया कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टू निगेटिव जो करंट फ्लो होता है, तो उसको जो भी रुकावटें आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, और इसी रेजिस्टेंस के कारण वायर जो है वो गर्म होता है या फिर कोई भी चीज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। तो अब एक बात बताओ, जब एक वायर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, मान लो ये जो एक वायर है इसमें से जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, तो वो किसी चीज से टकरा सकता है? जी हाँ, वो दूसरा एटम से टकरा सकता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और इसके वॉल से ही टकरा जाए, वायर के वॉल से टकरा जाए, तो इंटरनली उसमें काफी सारा कोलिजन होता है, और इसी कोलिजन के कारण क्या होता है, क्या होता है, वो जो हमने लिखा है अपोजिशन होता है, ठीक है। ये इसी कोलिजन के कारण क्या होता है, अपोजिशन होता है करंट को फ्लो होने में, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, चार्जेस को फ्लो होने में बच्चों। तो इसी कारण से हीट प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, ये हम 10th में सीखेंगे, मगर ये बात याद रखना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वही से लिखा है, सच कोलिजन कॉजेस हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अपोज द करंट, द हिंड्रेंस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो ये हिंड्रेंस का मतलब अपोजिशन है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बच्चों। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब किसी स्पेशल कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ये बात को याद रखना, ठीक है। तो अब वो स्पेशल कंडीशन कौन सा होगा, एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर आपको दिया हुआ है उतना ही रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक, ठीक है। द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स, अगर एक टेम्परेचर दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस उस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, मैं समझाता हूं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल मेड ऑफ, तो वो किस चीज से मटेरियल बना हुआ उससे। अब मैं आपको समझाता हूं, तो यहां पे पहले एक चीज समझ लो, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर, अगर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, L फॉर लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अभी मुझे एक बात बताओ, आप एक लंबे रोड पे जा रहे हो, स्पीड में जा रहे हो, जितना ज्यादा ब्रेकर बढ़ेगा आपका स्पीड उतना घटेगा, मानते हो ना, उतना आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो मतलब लेंथ बढ़ने से डिस्टर्बेंस, अपोजिशन बढ़ जाएगा आपका। तो उसी तरीके से अगर एक वायर का लेंथ बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया ना। अभी देखो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब ये कैसे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो ए है इसका मतलब क्या है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मैं आपको बताता हूं क्या होगा, ये मान लो एक वायर है, तो इस वायर का जो ये जो कितना मोटा है, इसको अगर मैं काटूंगा तो कितना गोल होगा, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, कैसे, मानो कि इलेक्ट्रॉन पतले से वायर में से फ्लो हो रहा है तो उसको ज्यादा चांसेस है, मान लो ना ये एक वायर है, एक पतला सा वायर है मान लो, ठीक है, इतना पतला, इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उसको ज्यादा रुकावटें आ सकती है। लेकिन वही अगर ये मोटा वायर है, इसका इतना मोटा वायर है, इसका कितना छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है बच्चों, ये वाला, तो ये अगर मोटा वायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पाएगा, तो अगर मोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पाएगा, तो आसानी से फ्लो कर पाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन को जाने में जितना दिक्कत होगा, जितना ओपोजिशन होगा, इतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस घट जाता है, तो ये भी समझ में आ गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू डालेंगे, तो एक कांस्टेंट डालते हैं, जैसे ऊपर हम लोगों ने कैसा किया था, वी इज आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो हमने आगे क्या किया था, तो हमने आगे किया था वी इज इक्वल टू आर आई,
ठीक है, आर डाला था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वैसे यहां पे ये वाला ये डाला है, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं रो, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। तो ये वाला सीन, ये पी जैसा कुछ तो डाला है यहाँ पे, हम लोग इसको मराठी के नाइन जैसा भी कहीं कहीं पे होता है, ठीक है बच्चों, हिंदी मराठी में जैसा नाइन लिखते हैं, ठीक है बच्चों। और अभी ये देखो, इसी चीज का अगर हमें यूनिट निकालना है कि इसका यूनिट क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो R इज इक्वल टू ये रो एल ए, तो मैं आपको अभी सबको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, रो इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी SI यूनिट इज ओहम मीटर, ये ओहम मीटर कैसा है मैं बताता हूँ। रेजिस्टिविटी ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एंड द डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, हर रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक मटेरियल के स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, हर अलग अलग मेटल्स की, अलग अलग कंडक्टर्स के अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला, ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज इक्वल टू ये डाला हमने रो एल ए, अब हमको रो का यूनिट चाहिए, तो रो को उधर रहने दो, ये ए उधर चला जाएगा, तो आर इंटू ए, और ये इधर मल्टीप्लाई में एल, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस, ये आर है ना रेजिस्टेंस, इसका मतलब ओहम, ये लेंथ मतलब एरिया को हम लोग कैसे निकालते हैं, मीटर स्क्वायर इसका होता है, और लेंथ का होगा मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो ये हो गया ओहम मीटर, तो यही उसका SI यूनिट है रेजिस्टिविटी का, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब यहाँ पे देखो क्या कुछ कुछ तो लिखा हुआ है, देख लो, देखो मतलब ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं बड़ा ये पेंसिल पेन ले लेता हूँ, ठीक है, रेड ले लेता हूँ। तो ये एक पॉजिटिव और निगेटिव साइड है बैटरी का, ठीक है। देखो बैटरी का मैं आपको बताया है और फिर से मैं बता देता हूँ, बैटरी को, बैटरी का सिंबल ये है, आगे हम लोग सीखने वाले हैं, छोटा वाला जो होता है वो निगेटिव होता है, बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, आपको ये पता ही होगा मुझे उम्मीद है आपसे। और ये वायर से कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे एक एमीटर लगा है, देखते क्या होता है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा है, ये वाला जो है ये कुछ तो है। तो ये सब चीजें मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जब मिला के बनाया जाता है एक सर्किट, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जब सभी चीजों को उसके हिसाब से जो जैसे लगेगा उस तरीके से कनेक्ट किया जाता है और जब जोड़ा जाता है तो उसको बनता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसके अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं, यहाँ पे यही लिखा है, अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर्स कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ अ सेल एंड अदर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक कंटिन्यूस पाथ है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें कंडक्टिंग वायर के थ्रू जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं, अलग अलग चीजें और अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कनेक्ट किए गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं बच्चों। तो अभी अलग अलग चीजों का अलग अलग सिंबल्स होता है, तो हमें वही देखना है। अभी यहाँ पे कुछ अजीब सा ही पूछा है कि ये वाला बल्ब क्यों जल रहा है, ये वाला क्यों जल रहा है और ये सब बंद क्यों है। तो देखो यहाँ पे तो वायर ऐसे जुड़ा नहीं है तो करंट पास नहीं हो पाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे भी ये वायर जुड़ा नहीं है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट से दोनों वायर को जोड़ दिया तो भी नहीं चलेगा, पॉजिटिव और निगेटिव से जोड़ना है। और यहाँ पे क्या हुआ, सही है सब तो जल रहा है, ठीक है। तो अभी अगला क्या है, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है सिंबल्स फॉर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर यूजेस, कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स है उसके यूजेस। जैसे एक बैटरी होता है तो बैटरी का ये जो लंबा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर को लाना। अगला आता है बैटरी, अगर आप बहुत सारे बैटरी को अगर जात में जोड़ेंगे तो ये देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो स्टार्ट पॉजिटिव से हुआ एंड निगेटिव से हुआ, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, पॉजिटिव निगेटिव फिर एक पॉजिटिव फिर एक निगेटिव फिर एक पॉजिटिव फिर एक निगेटिव, तो पॉजिटिव इधर आ गया और ये एक निगेटिव आ गया, इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ठीक है बच्चों। कलर ये ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तब यूज करते हैं। यहाँ पे देखो अप्लाई लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। अभी देखो ये क्या है, टैप की मतलब बटन, तो ये बटन क्या है, ये बंद है बटन, ठीक है। ये बटन क्या है, चालू है, टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ द वायर, तो ये दो वायर से कनेक्ट किया और ये चालू है। क्लोज टैप की, प्लग की, ओपन टैप की, मतलब ये ओपन है और ये क्लोज है। अगर ये क्लोज रहेगा तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और अगर ये ओपन रहेगा तो, ये ओपन रहेगा तो नहीं होगा और ये क्लोज रहेगा तो होगा। देखो ना यहाँ से मान लो कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अब जब ये पॉइंट पे टच होकर वायर जाएगा तभी होगा ना, अगर ऐसे टच है तो करंट फ्लो हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है इस तरीके से, लेकिन अगर टच नहीं है तो नहीं होगा। तो देखो अगला क्या दिया है, कनेक्टिंग वायर, तो ये वायर तो आपको पता ही है, कनेक्टिंग वायर के बारे में आपको पता ही है, वायर का सिंबल इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है बच्चों।
वायर का काम क्या है, अलग अलग चीजों को कनेक्ट करके रखना और करंट को फ्लो होने देना, ठीक है, कनेक्ट वेरियस कॉम्पोनेंट्स इन द सर्किट। ये है क्रॉसिंग ऑफ वायर। देखो जैसे एक वायर के ऊपर दूसरा वायर जा रहा है, तो अगर ये दोनों वायर एक दूसरे से टच करेंगे तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो इसके लिए ये वायर यहाँ से ऊपर से जंप मार के यहाँ सीधा चला गया, मतलब ऐसे है, और दूसरा वायर इस तरीके से गया, उसके ऊपर टच नहीं हुआ है, समझे? तो क्रॉसिंग ऑफ वायर। लाइट बल्ब तो आपको पता ही है, इस तरीके से हम दिखाते हैं, ये बंद बल्ब है, ठीक है, और ये चालू बल्ब है बेसिकली। तो बल्ब का सिंबल क्या है, इस तरीके से एम के जैसा, ठीक है बच्चों। अगला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। अभी करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, जैसे एक रोड पे ब्रेकर क्यों होता है आपके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरीके करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है, और उसका सिंबल ये है, ठीक है, ये इस तरीके का जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है बच्चों। अगला है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जब मतलब बदलते रहेगा, कभी मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा। टू चेंज इन द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय देयर फॉर कंट्रोल, मतलब रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट थोड़ी होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, चेंज होते रहेगा। तो वो ये सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, ठीक है बच्चों। अभी एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करने के काम आता है, टू मेजर द फ्लोइंग इन द करंट। मेजर द करंट फ्लोइंग इन, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, वो देखने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। करंट का सिंबल, करंट का ऐसा यूनिट क्या, एम्पियर, तो एमीटर, ठीक है, तो एमीटर यूज करते हैं। वोल्टेज का सिंबल क्या है, वी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का वी है ना वोल्टेज, तो उसके लिए वोल्ट मीटर, मतलब दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। वोल्ट, देखो तो एमीटर का साइन ये है, एक सर्कल, ये वायर जा रहा है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और इसी तरीके से वोल्ट मीटर में खाली वी होता है एक जगह। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है बच्चों। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो बच्चों सिंपल सा डेफिनेशन है, जो भी चीजों में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगा उसको कंडक्टर कहते हैं, जिसमें से फ्लो नहीं हो पाएगा उसको इंसुलेटर कहते हैं। अब एक चीज और, जिस चीज का रेजिस्टेंस कम होगा, जिस चीज का रेजिस्टेंस, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस, तो जिस चीज का रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, वो हो गया कंडक्टर। जिस चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका होगा इंसुलेटर उसको। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन लोगों ने भी, हम लोग वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, वी कैन डिवाइड सब्सटेंसेस इनटू कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड बैड कंडक्टर। इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर मतलब क्या होता है, दोस सब्सटेंस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स, करंट कैन फ्लो इजिली थ्रू सच मटेरियल। जिस भी चीज का क्या कम होगा, बहुत रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस जिसका भी कम होगा वो हो गया कंडक्टर, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जिसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो होगा इंसुलेटर। तो ये वाला सिंपल सा याद रखना जो मैंने आपको समझाया, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दो सब्सटेंस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस थ्रू विच करंट फ्लो कैनॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर। बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, उसको फ्लो ही नहीं होने दे रहा करंट को, तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर। एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इंसुलेटर का एग्जाम्पल प्लास्टिक, पीवीसी, एग्जाम्पल रबर, ठीक है दोस्तों, तो ये सब इंसुलेटर का। और कंडक्टर का वायर, कंडक्टिंग वायर जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब क्या है, क्या है, ये सब कंडक्टर्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके रेजिस्टेंस कम है। व्हाई आर सम सब्सटेंस कंडक्टर्स व्हाइल सम अदर इंसुलेटर, क्यों ऐसा, ठीक है। व्हाई कैन अवर बॉडी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बताता हूं मैं आपको। मेक अ लिस्ट ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर अराउंड यू। देखो कुछ चीजें कंडक्टर होती है, कुछ चीजें इंसुलेटर इसलिए होती है कि किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो पाता है, किसी में से नहीं हो पाता, ठीक है बच्चों, क्योंकि कुछ मेटल्स है कुछ नॉन मेटल्स है। अब बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है। आपने सुना कि मेरे खून के अंदर आयरन की कमी हो गई, तो आपके ब्लड के अंदर आयरन होता है। आयरन क्या है बच्चों, मेटल है। मेटल क्या है बच्चों, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो मतलब क्या होगा, हमारे बॉडी में करंट लगेगा, तो कभी भी बिजली को मत छुओ वरना बिजली गिरी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो याद रखो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर आयरन है, और आयरन के कारण हम जब इलेक्ट्रिसिटी को छूते हैं तो हमें करंट लगता है, इतना ही रीजन है, ठीक है बच्चों। और भी हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे मेटल्स हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है बच्चों, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से कुछ, और उस एग्जाम्पल के बाद हमें समझना है सिस्टम्स ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, और फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट, ये दो चीजें समझने के बाद मेरे हिसाब से, हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था वो और खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर की और बात है, तो बने रहिए मेरे साथ और हम लोग ये एग्जाम्पल्स भी देख ही लेते हैं लगे हाथ, या फिर एग्जाम्पल बाद में देखिए।
अच्छा चलो बच्चों, एग्जांपल में सिंपल तो है यार, सब वैल्यू वगैरह डालना है और कैलकुलेट करना है, तो एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एग्जांपल्स के ऊपर इसी तरीके का, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो ये जो हमारा इसमें हम लोग थ्री लेते हैं, एग्जाम्पल्स का एक अलग बनाएंगे, वरना वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा और आप लोग तो यार कतई देखोगे भी नहीं, मुझे मालूम है, ठीक है? तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स मतलब वो चीज जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है? तो उसको हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो वो दो होता है, एक रेजिस्टर्स इन सीरीज होता है और एक रेजिस्टर्स इन पैरेलल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ तक देखते क्या है, अ रेजिस्टर्स इज अ टू एंडेड कॉम्पोनेंट, मतलब जैसे ऊपर हम दिखाता हूँ आपको, हैविंग गिवन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन इट टू एंड्स, ठीक है? इन सेवरल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन डिफरेंट वे, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल सच कनेक्टेड रेजिस्टर्स। तो यहाँ पे आता हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको, तो देखो ये एक रजिस्टर है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक रजिस्टर है और इसके दो बगल में कुछ चीजें कनेक्ट, और इस रजिस्टर्स की एक कैपेसिटी होगी कुछ सर्टन रजिस्टेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, ओहम्स लॉ सभी तरीके में एप्लीकेबल है, जैसे कि आप रेजिस्टेंस इन सीरीज देखो या रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखो, आपका ओम्स लॉ तो लगेगा ही। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, और मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से और याद भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज रेजिस्टर्स इन सीरीज जो टॉपिक है हमारा, इसमें बोल रहा है स्टडी फिगर 3.8, क्या कह रहा है कि ये 3.8 फिगर को थोड़ा सा स्टडी करो। तो देखो यहाँ पे ये 3.8 फिगर है, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं पहले, तो हमें कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। उससे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं, ठीक है? एक डिवाइस होता है बच्चों इस तरीके का दिखने वाला, ठीक है, और उसके अंदर ए लिखा होता है और यहाँ पे प्लस और माइनस, आपको याद आया इसको क्या कहते हैं, एमीटर। क्या कहते हैं बच्चों, एमीटर, और इसका काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, ठीक है? ये बात याद रखना, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। कैसे होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा, मतलब बीच में कनेक्ट होगा। अगला जो एक डिवाइस था वो था सीरीज, मतलब समझ रहे बच्चों, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीरीज, पैरेलल मतलब एक के नीचे एक, ठीक है बच्चों? अगला जो ऐसा डिवाइस था वी वाला, जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, इसको इसका नाम क्या था बच्चों, वोल्ट मीटर, ठीक है? अब जो वोल्ट मीटर होता है बच्चों, उसका काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में मेजर करने का। ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट होगा, ये याद रखना, ठीक है? तो चलो अब ये डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये वाला है पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला है निगेटिव टर्मिनल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। पॉजिटिव टर्मिनल ये की ओपन है, मतलब ये सर्किट बंद, अभी करंट नहीं फ्लो हो रहा है इसमें से, क्योंकि देखो ना करंट यहां से आएगा, यहां पे जब जुड़ेगा, ठीक है, तब इसमें से करंट फ्लो होगा, ओके बच्चों? तो इसके बाद यहां पे दिख रहा है एमीटर, एमीटर कैसे कनेक्ट किया, सीरीज, मतलब ये सीधे में कनेक्ट किया, देख रहे हैं आप, ये जो एमीटर है बच्चों ये वाला, ये सीधे में कनेक्ट किया है। उसके बाद देखो यहां पे रेजिस्टेंस, पहला दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा, आपको याद है ना रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, मतलब डिस्टर्बेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, देख रहे हो आप, डिस्टर्बेंस है ये, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस, आर वन ए पहले का नाम है, दूसरे का आर टू और तीसरे का आर थ्री, इनको सीरीज में कनेक्ट किया, मतलब एक के बाद एक है, देख रहे हो, इसके ये खत्म हुआ फिर ये, फिर ये खत्म हुआ फिर ये, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है वोल्ट मीटर, देखो ऊपर नीचे कनेक्ट है ना बच्चों, तो ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये देखो ये वाला है और ये वाला एक दूसरे को पैरेलल है कि नहीं है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों? अभी ये सब मैं मिटा दे रहा हूं और अभी मैं बता रहा हूं, ये जो बैटरी है बच्चों, ये बैटरी भी सीरीज, बैटरी तो ऐसा सीरीज में ही होगा, ये बैटरी के ऊपर ई क्यों लिखा है, ई फोर होता है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये एनर्जी दे रहा है बच्चों बेसिकली, ठीक है, सिंपल से शब्दों में। तो अभी देखो क्या लिखा आगे, यू कैन सी दैट एंड्स ऑफ द थ्री रजिस्टर्स आर कनेक्टेड so that they follow one after other in a single line, तीनों रजिस्टर्स के एंड को, इसका एंड इधर है, ये इससे कनेक्टेड है, इसका एंड इधर है, ये इससे कनेक्टेड है, कि वो एक दूसरे के बाद आ पाए सीरीज में, एंड दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है बच्चों? इन सच एन अरेंजमेंट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर, ऐसे में ये जो करंट यहां से फ्लो होके जाएगा वही करंट यहां और फिर इसमें से इसमें से इसमें से सब में से सेम करंट फ्लो होगा। द वैल्यू ऑफ द करंट इज I, और करंट की वैल्यू क्या है बच्चों, I है मान लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज V, मतलब पॉइंट C से ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V है, V क्या है, V है, ठीक है। द
द थ्री रजिस्टर्स आर वन आर टू एंड आर थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, तीनों रजिस्टर आर वन आर टू आर थ्री सीरीज में कनेक्टेड है, लेट द वोल्टेज अक्रॉस देम बी वी वन वी टू एंड वी थ्री. तो बोल रहे कि मान लो कि इसके आगे जो वोल्टेज है वो वी वन है, इसके आगे इस तरीके से अगर एक वोल्टेज है तो वो वी टू है, ठीक है बच्चों, और इसके आगे अगर एक वोल्टेज है तो वो वी थ्री है, ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है, ठीक है बच्चों, रेस्पेक्टिवली. तो अभी बताओ टोटल वोल्टेज कैसे निकालोगे आप, टोटल वोल्टेज कैसा होगा, इस वोल्टेज को जोड़ दो, इस वोल्टेज को जोड़ दो, इस वोल्टेज को, तीनों को जोड़ दो, तो वी वन प्लस वी टू, बता रहा हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें, ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, मैं ये अच्छे से भी समझाऊंगा आपको और, तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इज इक्वल टू वी, मतलब टोटल वोल्टेज को वी बोला, इक्विवेलेंट वोल्टेज टोटल, और इस सबका समेशन निकाल लिया है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. अभी ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करना है बच्चों, ठीक है. इफ आर एस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब मान लो कि आर वन है एक रेजिस्टेंस, एक है आर टू और एक है आर थ्री, तो अगर सारे रेजिस्टेंस को जोड़ के हम लोग बोले इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर है, और एस क्यों लिखा है, इन सीरीज है इसलिए, ठीक है. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, देन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या कहता है, वी आर इंडियन, याद है आपको वी आर इंडियन, वी आर आई, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, तो वी आर के नीचे एस लिखा है क्योंकि सीरीज में है रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि वोल्टेज वी वन के पास क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, आर वन है, वी वन के पास आर वन है, वी टू के पास आर टू है, वी थ्री के पास आर थ्री है. तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, वी वन इज इक्वल टू आई आर वन, वी टू इज इक्वल टू आई आर टू, वी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री, और इन सबको आप वी वन वी टू वी थ्री को इस इक्वेशन में डाल देना है. तो जब इस इक्वेशन में डाल दोगे तो V का मतलब क्या है, IRS, ठीक है, V का मतलब क्या है, IRS, तो V का मतलब IRS डाल दिया, ठीक है बच्चों. मैं थोड़ा सा कुछ और ले लेता हूँ यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने के लिए, मैं एक पेंसिल ले रहा हूँ, ठीक है, ये ले रहा हूँ, ये लेता हूँ, चलो. V का मतलब क्या है बच्चों, IRS, तो V इस इक्वेशन में V के जगह क्या डाल दिया, IRS डाल दिया. अभी थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके बच्चों. चलो अभी V1 का मतलब क्या निकाला हमने यहाँ पे, V1 का मतलब हमने निकाला IR1, तो V1 का यहाँ पे मतलब डाल दिया IR1, V2 का मतलब हमने निकाला यहाँ पे IR2, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में डाला IR2, और यहाँ पे सिमिलरली IR3, V3 का मतलब डाल दिया. तो ये सब जोड़ जाड़ के देखो क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे यहाँ पे, मैं ये सब मिटा रहा हूँ नीचे का, देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है, मैं तुमको समझाने वाला हूँ, अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर मैं, तुम लोग बोलोगे तो, ठीक है, कि अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल नहीं समझना तो मुझे बोला अच्छा जुगाड़ वाला एक वीडियो बना दो एलमे का. अभी देखो यहाँ पे आई 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 देखो क्या, तो आई कॉमन निकाल लिया, सपोज करो ये क्या है, आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ऐसा है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या किया, आई कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या है, आई आर एस इज इक्वल टू आई कॉमन निकाल लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला I, तो मैं रेड कलर से कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला I कैंसिल और ये वाला I कैंसिल, तो बचा क्या बच्चों, बचा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो ये है रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब जब भी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो सब पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी को जोड़ के निकाला जाएगा, ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे वही सारी पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको हम देखते हैं कि क्या लिखा है. इफ द करंट थ्रू फ्लो, इफ सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर, कब बोलेंगे कि इफ अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज, हम कब बोल सकते हैं, जब सेम करंट फ्लो कर रहा है सभी से. तो आपने यहाँ पे देखा ना, सभी के पास से करंट कितना फ्लो कर रहा था, सबके पास से करंट आई ही फ्लो कर रहा था, हमने सब में आई आई कॉमन लिया, यहाँ पे आई लिया है, यहाँ पे भी आई लिया और यहाँ पे भी आई लिया है हमने, यहाँ पे देखो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, सब में हमने आई लिया है, ठीक है. इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जैसे कि अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हमारा आर एस था वो सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जोड़ करके आया, ठीक है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द अरेंजमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा वाला, ठीक है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, हमेशा जो आर एस की वैल्यू आएगी वो आर वन आर टू और आर थ्री सब में से इंडिविजुअली भी उनसे बड़ा होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि सबको जोड़ के बन रहा है वो. अगला है द अरेंजमेंट इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इस अरेंजमेंट का क्यों यूज किया जाता है, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ऑपोजिशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है बच्चों. तो चलो अब आगे चलते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो तो बनाने ही वाले हैं, तो एग्जांपल्स को सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे. अगला जो हमारा टॉपिक है वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है.
तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है बच्चों, अगला जो टॉपिक है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो देखो इसमें क्या है, अभी इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी एक की लगाया है बच्चों, मतलब चालू बंद रखने के लिए ये एनर्जी दिया है बैटरी से, और करंट इस तरीके से फ्लो है। एमीटर को देखो सीरीज में कनेक्ट किया है और एक ही वोल्ट मीटर लगाया बच्चों, और ये सब रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री ये कैसा बच्चों, पैरेलल है, एक के नीचे एक है, ठीक है। और देखो ये पॉइंट सी है यहाँ पे और पॉइंट डी है, हमें पता करना है कि इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे बच्चों, आर पी लेंगे, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या है कैसा है, सब कुछ देखते हैं जैसे उसमें समझा, ठीक है। तो देखो क्या है, इफ द रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन देयर एंड्स आर कनेक्टेड एट बोथ द साइड्स इन द फिगर, ठीक है, व्हेन देयर एंड्स आर कनेक्टेड एट बोथ द साइड्स इन द फिगर। देखो सभी का एंड एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड, आर वन आर टू आर थ्री सभी का, देखो आर वन का भी इस पे कनेक्टेड है रेड कलर से जो दिखाया, आर वन का भी है, आर टू का भी है और आर थ्री का भी है, ठीक है। ये वाला R1 है बेसिकली, ये वाला R2 है और ये वाला R3 है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अभी देखो आगे क्या बोला है, द फिगर शोज थ्री रजिस्टर R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट C एंड D, जैसे मैंने आपको बताया V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द C एंड D, तो C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है बच्चों। लेट I1, I2 एंड I3 बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द R1, R2 एंड R3, यहां पे करंट अलग है R1 से I, I1, R2 से I2, R3 से I3, ठीक है, R3 से I3। अब ऐसा क्यों बच्चों, मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे का राज, ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे। वहां पे हम लोगों ने वोल्टेज सेम था, ठीक है, वोल्टेज अलग था, यहां पे करंट अलग है, ठीक है बच्चों, ये याद रखना, मैं बताता हूं। देखो मान लो कि यहां से करंट I जा रहा है, इस पॉइंट तक गया, अब यहां से तीन चार हिस्सों में चला जाएगा, ठीक है। यहां पर जो करंट गया उसका नाम है I1, यहां पे जो करंट फ्लो हुआ उसका नाम है I2, और यहां पे जो करंट गया वो है I3, और यहां पे भी एक करंट गया होगा मान लो कि I4, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से I1, I2, I3 करंट I डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीन चार पार्ट में, ठीक है बच्चों, इसको छोड़ दो फिलहाल। तो I1 किसके थ्रू है, R1 के थ्रू, I2 किसके थ्रू है, R2 के थ्रू, और I3 है R3 के थ्रू, ठीक है बच्चों। तो अब ये सब मिटा देता हूं मैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इनकेस अगर आपको डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आएगा, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाना चाहता हूं और मैं बनाऊंगा, ठीक है बच्चों, आपके बोलने पे लेकिन, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, टोटल करंट कैसे निकालोगे आप, I1 प्लस I2 प्लस I3, सारे करंट को जोड़ दो टोटल करंट, तो वही है इक्वेशन नंबर वन। अभी RP हम लोग बोल देते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, P फॉर पैरेलल, ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कवर बिटवीन C एंड D, तो RP इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब सबको जोड़ जाड़ के, ठीक है। तो ओहम्स लॉ क्या है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये कैसे हुआ हमको पता, ओहम्स लॉ क्या है, V R इंडियन, तो अभी हमको क्या चाहिए, करंट का वैल्यू चाहिए, तो I इज इक्वल टू, या इधर ही रहने दो, V के नीचे R आ जाएगा, तो V R, ये भी हमने देखा था पिछली बार, ठीक है, ये मतलब इसी चैप्टर में, वन शॉट वीडियो तो आपने देखा है, पीछे जाके देखो, टाइम स्टैम्प में देखो नीचे किधर बात की हमने इस चीज की, ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो सिमिलरली आई को अगर हम लोग ये लेंगे, तो आई वन मतलब क्या होगा, आर के नीचे वन डाल दो, आई टू मतलब आर के नीचे टू डाल दो, और आई थ्री मतलब ये, क्यों, क्योंकि आई वन किससे पास हो रहा है बच्चों, आई वन करंट जो यहां से ये जा रहा है आई वन, वो किस में से पास हो रहा है, आर वन से पास हो रहा है ना। I2 किससे पास हो रहा है यहाँ पे, I2 पास हो रहा है R2 से, I3 किससे पास हो रहा है बच्चों यहाँ पे, R3 से, तो उसके हिसाब से हमने सब कुछ कर दिया, फॉर्मूला में एडजस्ट कर दिया, I1 मतलब V अपॉन R1, V अपॉन R2, अब V V V क्यों लिखा है, V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि बच्चों दो ही पॉइंट है ना, तो दो पॉइंट रजिस्टर्स के बीच में एक ही वोल्ट मीटर है इसलिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी सिमिलरली क्या किया, अभी इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट किया है बच्चों, ठीक है। तो मान लो कि V अपॉन RP, I का मतलब क्या है, V अपॉन RP, तो यहां पे इक्वेशन में I का मतलब डाला यहां पे V अपॉन RP। अब I1 का मतलब क्या है बच्चों, I1 का मतलब है यहां पे देखो V अपॉन R1, तो वो डाल दिया है। I2 का मतलब क्या है यहां पे इक्वेशन वन में, R2 का मतलब ये हो गया, तो ये डाल दिया यहां पे, ठीक है। I3 का मतलब क्या हो गया, I3 का मतलब ये हो गया, तो ये भी उठा के यहां पे डाल दिया, समझ में आया, बस अरेंजमेंट है। तो अभी देखो सब में जैसे उसमें से I कॉमन निकला था, इसमें सब में से V कैंसल हो जाएगा कॉमन निकल के, ठीक है बच्चों। तो बचा क्या, वन अपॉन आर पी, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर थ्री, आर टू एंड आर थ्री, सबको ऐड कर दिया, तो ये हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल, बस इतना ही। अभी क्या बोल सकते हो आप इसमें, रेसिप्रोकल है, ठीक है। इफ एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, अगर मान लो एन रजिस्टर्स है, तो डॉट 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 टिल एन,
तीन था तो तीन तक लेके, एन रहेगा तो और आगे एन तक जोड़ देंगे सब साथ में। तो उसी तरीके से हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी मैंने आपको समझा दिया, ये रेसिप्रोकल होता है इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे। अभी एक बात याद रखना कि हमारे घर में, अभी एक बात बताओ, मान लो कि यहां से यहां तक अगर इसका करंट अगर बंद किया तो ये दोनों बंद होगा? नहीं बंद होगा, क्योंकि इसमें तो अलग करंट जा रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है कि अगर एक चीज को बंद किया जाए तो सभी बंद नहीं होते। जैसे मेरे घर का अगर मैं लाइट बंद करता हूं तो पंखा बंद नहीं होता, क्यों? क्योंकि दोनों में अलग करंट जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वैसे ही अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज हो, मतलब एक के बाद एक कनेक्टेड और एक बंद करोगे तो इससे होके ही दूसरा करंट उसमें से जा रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे। If a number of resistors are connected in parallel, the inverse of the effective resistance is equal to the sum of the inverse of individual resistance. मतलब कि अगर आप निकालने जाओगे 1/RP, मतलब तो ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया ना। अगर आरपी निकालने जाओगे तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/RP। ऐसे ही R1 निकालने जाओगे तो वो क्या हो जाएगा 1/R1। तो इस तरीके से सभी चीजों का रेसिप्रोकल निकाल के जो निकलता है वो रेसिप्रोकल उसको फाइनली हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो आगे। द करंट flowing through a individual resistor is proportional to the inverse of its resistance and total current flowing through its circuit is sum of the currents of through its individual resistors. मतलब सब में से जितना जा रहा है उसको जोड़ के निकालोगे आप, सब में से जो जा रहा है ये सब जोड़ोगे तो आपको इंडिविजुअल अलग रहेगा और ये अलग रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वही लिखा था, करंट फ्लोइंग थ्रू अ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, मतलब उसके रेजिस्टेंस के इनवर्स से प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, टू द टोटल करंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम, सभी के करंट अलग रहेगा बच्चों, आई अलग हो रहा है, I1, I2, I3 हो रहा है, लेकिन वी एक ही है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड इन पैरेलल लेस देन दैट द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ इंडिविजुअल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर सभी को अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वो हमेशा लेस होगा, लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द इंडिविजुअल रेजिस्टर, मतलब कि किसी भी एक रजिस्टर का जो लिस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे वो कम होगा। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखो, दिस अरेंजमेंट इज यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, इस अरेंजमेंट का यूज किया जाता है रेजिस्टेंस सर्किट में कम करने के लिए। मतलब यार सिंपल सी बात है कि इनमें से जो सबसे कम रहेगा उसके बराबर ये होगा या फिर उससे भी कम होगा, मतलब सब जगह सेम नहीं होगा। जरूरी है कि आपका जितना बल्ब इलेक्ट्रिसिटी खाता है आपका फ्रिज भी उतना ही खाएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो उसके अंदर अलग करंट जा रहा है, इसके अंदर अलग करंट जा रहा है, उसकी रेजिस्टेंस अलग है, इसकी रेजिस्टेंस अलग है। तो यही पैरेलल का फंडा, आपके हाउस होल्ड पर्पज के लिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल यूज होता है, इतना याद रखना। ठीक है, अभी चलो यहाँ पे कुछ सम दिए जो हम लोग ने अलग से वीडियो बनाने वाले इस पे। ठीक है, अब यहाँ पे है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन क्या है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद है फ्यूज वायर, तो मैं ये भी आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, एंड उसके बाद है प्रिकॉशन टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग समझते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो बच्चों डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मतलब सिंपल सा समझो कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बच्चों, वो एक तो ऊपर से आने वाले तार के थ्रू आता है जो पोल वगैरह पे लगा होता है, या तो कभी कभी अंडरग्राउंड केबल से भी आता है। दो तरीके से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब इसमें तीन प्रकार के वायर होते हैं, एक होता है लाइव वायर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है और हमारे पास आता है, एक होता है न्यूट्रल वायर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी वापस जाता है सर्किट कंप्लीट करने के लिए, और एक होता है अर्थिंग का वायर जो हमें सेफ्टी पर्पज के लिए दिया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज लिखा है, देखो द वोल्टेज क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे गिर गया, ओके, द वोल्टेज डिफरेंस मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का फर्क होता है लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है बच्चों, इतना इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक के लिए हमारे घर घरेलू चीजों के लिए आता है बेसिकली। अभी एक लाइव है, एक न्यूट्रल है और एक अर्थिंग है। अर्थिंग क्यों होता है, वो अर्थिंग जाता है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, तो इस तरीके से जो तीन शॉकेट वाले आते हैं। मेन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे डायरेक्टली मेन घर में आता है, मेन बोर्ड में आता है, वहां से सब जगह सप्लाई जाता है। अब मेन बोर्ड के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, याद रखो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, करंट अलग अलग जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल सेम ही रहने वाला है जितना आपके पास आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में, और बीच हमारा जो मेन बोर्ड होता है उसमें एक फ्यूज भी होता है, तो फ्यूज के बारे में हम आगे देखने वाले हैं।
ठीक है, तो सिंपल सी बात में क्या याद रखना, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आता है एक तो अंडरग्राउंड केबल से आता है या तो ऊपर से आता है पोल के थ्रू, और वो एक जगह पे आता है हमारे घर में, बेसिकली एक मेन बोर्ड होता है उसमें आता है, उसमें एक फ्यूज लगा होता है और वहां पे तीन वायर होते हैं, इसमें एक लाइव एक न्यूट्रल, लाइव और न्यूट्रल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 का है, और एक होता है अर्थिंग वायर फॉर सेफ्टी पर्पज, ठीक है, करंट को रोकने के लिए, सेफ्टी के लिए, ठीक है, मतलब सेफ्टी के लिए होता है बेसिकली। अब अगला है फ्यूज वायर, तो हमारे घर के डोमेस्टिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज वायर का यूज किया जाता है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फ्यूज वायर छोड़ो हाँ, कुछ ज्यादा नहीं, अब फ्यूज वायर मतलब मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, हमारे प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज वायर का यूज करते हैं। अब फ्यूज वायर के अंदर जो वायर यूज होता है, जैसे मान लो ये एक फ्यूज है, ठीक है, इसके अंदर जो ये वायर लगाएंगे हम लोग, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो वायर लगाएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, वो बहुत ही कम होता है। तो इससे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण क्या होता है, अगर ज्यादा करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा ना, लेंथ बढ़ा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हीट प्रोड्यूस होगा, हीट के कारण ये तुरंत पिघल जाएगा और सर्किट टूट जाएगी। देखो ये इस तरीके से सर्किट जा रहा है, यहाँ पे पिघल के अलग हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगा तो लाइट बंद हो जाएगा और आपके घर के जो भी चीजें हैं वो ज्यादा वोल्टेज आने के कारण उड़ जाए, बोलते हैं ना मल्टी भी उड़ गया, स्टेबलाइजर उड़ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों कि मतलब उसमें ज्यादा करंट आ गया, जितना चाहिए परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा आ गया, तो उतना करंट वो सह नहीं पाया, तो उसमें ब्लास्ट हो गया, आग लग गया, वो खराब हो गया, ठीक है बच्चों। तो वो फ्यूज का काम है कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपने पास आता है अचानक से, तो वो फ्यूज के अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा इस तार के अंदर से और ये पिघल जाएगा, जब ये पिघल जाएगा तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी और हमारा चीज प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा है, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, किसमें कनेक्ट होता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के। और कुछ लिखा है क्या यहाँ पे, एक्सेसिवली मैंने आपको समझा दिया, ओके। अभी यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का टाइम क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड सॉकेट शुड बी फिटेड एट अ हाइट विच स्मॉलर चिल्ड्रन कैन नॉट रीच, आउटपुट पिंस और नेल्स इनसाइड प्लग्स वायर शुड बी पुल्ड वाइल रिमूविंग द प्लग फ्रॉम दिस सॉकेट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज बता रहा है कि आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट होता है, जो बोर्ड वगैरह होता है, वो हमेशा थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए कि बच्चे उसमें उंगली ना डाल पाए, उसमें कीला वीला नेल्स वगैरह ना डाले, कीला काटी वगैरह ना डाल के उसको छू ना पाए, जिससे क्या होता है, नहीं तो करंट पास होगा, उनको लग सकता है। दूसरी बात, कभी भी जब आप वायर निकालते हो ना, कोई तो ऐसे खींच के मत निकालो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बोर्ड ही साथ में आ जाए और इलेक्ट्रिक करंट लग जाए आपको, उसको ऐसे अच्छे से पकड़ के निकालो, आराम से निकालो, प्यार से, ठीक है। बिफोर क्लीनिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इट शुड बी स्विच्ड ऑफ एंड पुट प्लग रिमूव्ड फ्रॉम द सॉकेट, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपको एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को क्लीन करना, तो उसका सॉकेट में से उसका तार निकाल लो, बाद में क्लीन करो। वन हैंड शुड बी ड्राई वायर हैंडलिंग, एक इंसान का हाथ सूखा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस को छूने के टाइम, उसको हैंडल करने के टाइम, यूज करने के टाइम। एंड एज फार एज पॉसिबल वन शुड यूज अ फुटवेयर विद रबर सोल्स, रबर इज एन इंसुलेटर, इट प्रिवेंट्स द अर्थ करंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू आवर बॉडी एंड देयर बाय प्रोटेक्टिंग इट। आप कोशिश करो कि आपका हाथ हमेशा सूखा हुआ हो, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, बिजली के तार वार से जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो आप एक रबर चप्पल जरूर पहनो, ठीक है बच्चों, प्रोटेक्शन के लिए। अगला बोल रहा है, इफ अ पर्सन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, यू शुड नॉट टच दैट पर्सन, उस इंसान को आप डायरेक्टली टच मत करो, नहीं तो आपको भी करंट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में आयरन होता है, ठीक है बच्चों। यू शुड स्विच ऑफ द मेन स्विच एंड स्विच इट सो टू फार दैट यू शुड नॉट, देखो क्या बोल रहे, मेन स्विच एंड इफ द स्विच इज टू सो फार यू डोंट नो वेयर इट इज लोकेटेड, देन यू शुड रिमूव द प्लग फ्रॉम द सॉकेट इफ पॉसिबल, इफ नॉट देन You should use a wooden pole to push the person away from the electric wire. मतलब बोल रहा है कि अगर किसी को करंट मारा, तो आप उसको डायरेक्ट मत छुओ, वरना आपको भी करंट मारेगा। आपको करना है एक चीज़ है कि मेन स्विच को जाके बंद कर देना, इनकेस आपको नहीं पता कि मेन स्विच कहाँ है, ठीक है, और कैसे मतलब किधर है, अपन नहीं है ही नहीं, कि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे समय में आपको एक तो प्लग निकाल देना जिसके कारण उसको करंट लग रहा है, या तो आपको एक लकड़ी का यूज करना उस इंसान को हटाने के लिए, उधर से दूर करने के लिए, इस तरीके से वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। ये 9th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 3 हमने खत्म कर दिया, अभी चैप्टर नंबर 4 भी हम लोग बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे बच्चों, और ये एक्सरसाइजेस को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस पर सेपरेट वीडियो बना करके, और न्यूमेरिकल्स के वीडियो इसके बाद हम लोग डेफिनेटली बनाएंगे। तब तक आपको अगर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो बच्चों हमने इफेक्ट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला लेसन पूरा खत्म कर दिया है यहाँ पे, और हमने सभी कुछ समझा। पहले हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था बच्चों, तो हमने पोटेंशियल बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था इलेक्ट्रिसिटी का, फिर हमने पोटेंशियल समझा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस समझा, फिर इलेक्ट्रिक करंट समझा, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमने देखा कि
क्या क्या चीजें होती है, फिर हमने ओम्स लॉ समझा, फिर रेजिस्टेंस समझा, फिर रेजिस्टिविटी मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखा। उसके बाद आगे जाके हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, एक सीरीज में होता है और एक पैरेलल में होता है। और ये दोनों डिस्कस करने के बाद बच्चों हमने फाइनली डिस्कस किया अबाउट डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घर के अंदर जो बिजली आती है वो कैसे आती है, कितना फर्क होता है लाइव और न्यूट्रल के बीच में, 220 वोल्ट का फर्क है, ठीक है, एक अर्थिंग वायर भी होता है, तीन टाइप के वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थिंग। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बच्चों अबाउट फ्यूज, ठीक है, और फ्यूज के बाद हमने फाइनली डिस्कस किया था प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के समय या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करने के समय हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एक और चीज बच्चों, हमने कंडक्टर और इंसुलेटर को समझा एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंडक्टर और इंसुलेटर को समझा। हालांकि कंडक्टर मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो पाए, और इंसुलेटर मतलब जिसमें से नहीं पास हो जाए पाए, आसानी से नहीं पास हो पाए, ठीक है। तो लेकिन हमने रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा था, जिसके अंदर हाई रेजिस्टेंस वो इंसुलेटर, जिसके अंदर लो रेजिस्टेंस वो हो गया कंडक्टर। इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर समझा है। नीचे टाइम स्टैम्प था जिसका आपने पूरा उपयोग किया होगा, ठीक है। अगर आपको दोबारा कोई चीज पे जाना है, रिवाइज करना है टॉपिक, तो आप टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल करिए और चैप्टर को अच्छे से देखिएगा बच्चों। इसके अलावा आपको चैप्टर कैसा लगा, कि आपको कोई डाउट वगैरह आया, तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर इस चैनल पे बच्चों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके मेरे उत्साह जरूर बढ़ाइएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है। इस चैप्टर को आप थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा, आपने देखा ही होगा, दोबारा भी रिपीट करना तो पॉइंट टू पॉइंट जो भी डाउट है वही देखिएगा बस, ओके बच्चों। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं विद अ वर्चुअल हाई फाई, एंड हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में वापस मिलेंगे बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर।